बाहरले देशों में उधरों कीर्तन लाया उधरों डांस कर रहे नाल कहिंदे ये भी तां की हो गया शब्द दे नाल डांस कर। सतगुरु महाराज जी कहिंदे नचिया टप्पे भगत ना होए। ये नचन टप्पण दे नाल भगती नहीं हुंदी, भगती हुंदी है बैराग दे सहत। भगती जब तक बैराग नहीं आउंदा सतगुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह ने जिहड़े बचन लिखे ने हां रह ना सका बिन देखे प्रीतमा मैं नीर वहे वह चल जी। ये मेरी अखा विच तो हर टाइम जल ही जाता रहा है। दो उदाहरण ने साडे कोल ज्ञानी ज्ञान सिंह जी और कवि संतोख सिंह जी। सो लिखते ने दोवें जाने भी एक जना लिखता भी जो सतगुरु जी बाणी उच्चारण करते अखा दे विच इन्ना जल जाता सी कि सारा चोगा भिज जाता सी। दूजे विद्वान सज्जन लिखते ने भी जदों बाणी उच्चारण करते सी महाराज जे छोटे छोटे दो कटोरे अखा के थले रख दिए तो जल दे नाल भर जाण इन्ना बैराग आउंदा सी। ये एक अवस्था हुंदी है बैराग की। कई संगतां सानू फोन ते कहिंदे पाठ करदे अखा विच आपे पाणी आई जांदा आपे जल आई जांदा भी ये ठीक है कि गलत है। मैं कहा नहीं अंदर बैराग आ गया। जदों अंदर बैराग टच करदा जाके तां उस वक्त साडियां अखां विचों अपने आप ही जल आउण लग जांदा। साधन दसे नहीं किसी ने, उस पासे लग्या नहीं कोई। महाराज जी ने जिवें बचन उचारण किया सोठ मल्ला पंजवां घर तीजा दो पदे दो पौड़ियां वाला ही शब्द है, तीसरे घर सुरत पार च गाउणा पंजवें पातशाह ने उचारण किया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद बीज मंत्र है। सतगुरु महाराज ने जिवें फरमाया है शरीर के उत्ते भी साढ़े बहुत सारे कर्म ऐसे गलत हो चुके ने। पहला आपां दित्ती सी उदाहरण भरी है हाथ पैर तन देह पानी धोता उतर सुखे है पर तख भी मिट्टी लगती है। हुण भरी है हाथ कई बंदे ने जिंदगी च इन्हां हत्थां नाल इन्ने पाप किए हुंदे ने कि हत्थां नूं पापां दे नाल ही भर लैंदा। बहुत पाप किए होंगे हाथ पैरां नाल गंदे पासे तुर तुर के जा के भी पैर अपने पापां नाल भर ले। शरीर नाल कुकर्म कर करके शरीर जिहड़ा गलत पासे ला ला के शरीर नूं भी पापां नाल भर लिया। पाप की चीज है ते पुन्न की चीज है, देखण नूं नहीं पता लगता। पापा दुनिया च विचरदे आ एक कानून बन चुके ने कि खब्बे पासे जाना सड़क उही आ। जे तुसी सजे जाने हो तां तुसी फड़े जाने हो, तुसी दोषी हो, तुसी एक कानून गलत कीता। इहनूं आपां पुराणी भाषा च पाप कह दिंदे आ, इह गलत है। सतगुरु महाराज जी कहिंदे इसे प्रकार बहुत सारे ऐसे कर्म कीते ने किसी महापुरख नूं मार देना, किसी चंगे पुरश नूं मार देना, ब्राह्मण कैली घात कंजका अणचारी का धाम फिटक फिटका कोड़ बदिया सदा सदा विमान। हुण ये पंक्तियां बोलियां है जो दास ने और बहुत दिन तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संपूर्ण पाठ भी किया। हुण उन्हां नूं की पता जिन्हां ने जपजी साहब भी पढ़ना, कईयां ने पंज बाणियां पढ़ लियां, कईयां ने श्री सुखमनी साहब पढ़े, आसा दी वार पढ़ी, पर बारह ते वधीक बाणी किसे नहीं पढ़ी होनी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अखीर में जाके पंक्तियां आउंदियां कि पाप जिहड़े वड्डे ने किसे चंगे पुरश की हत्या करती बहुत गुनाह लगता। पुराने सतगुरु महाराज ने यह लिखे जिहड़े बचन कैली काली गऊ का मारना पहला वेदां च पाप लिखिया हो गुरां ने उत्थे उन्हूं दर्ज कर दिता। घात कंजकां कंजकां मार देनी कुड़ियां मारनियां, यह पहला कुड़ी जमदी सी फिर उन्हूं घड़े च दब के मारिया जाता सी, किसी नूं दुध च डबो के मारिया जाता सी। पहला एक रीति सी, हुण इह नवीआं मशीनां आ गईआं सी, पहला ही पता लग जाता कि लड़की है तो पहला ही वह मार दिंदे कंजकां दा मारना।
चौथा पाप गिणिया से अणचारी का धान। अणचारी जिहड़ी कमाई माड़ी गंदी हो, बेसवा दे घरे रोटी खा लेनी, माड़ा मानते भी तो पापा की कमाई है। कसाइयां दे घरे जाके खा लेना, माड़िया बंदे दे पाप घरे रोटी खानी, इन्हां दा भी गुनाह लगता। देखो ज आप बैठे सारे जिन्होंने बंदगी करनी है, जिन्हें बंदगी नहीं करनी वह जिथे मर्जी कुछ करता फिर आपां कोई मतलब नहीं। पर जदों आप बंदगी विच जाना है तो उस वक्त बहुत ध्यान देना पैंदा खाण पीण पहरन विच हर पक्ष दे विच। इस करके सतगुरु महाराज ने गलतियां जिहड़ियां होईयां मन बाणी शरीर करके हो जांदियां, ताइयों आप महाराज अगे बेनती करते हैं कि मन बाणी शरीर करके हुई गलतियां की माफी बख्श दे। मैं जो कथा असं सीखते होंगे सी कहते संत गुरबचन सिंह जी खालसा ने एक बार 6 घंटे कथा की, मैं 6 घंटे सुनता कौन होगा, लोग तो भज जाते उठ कहने नहीं बैठते सी। हुण जो मैं आप 4-4 घंटे कई बार कथा की 5-5 घंटे भी की, ना तो सुनने वाले हिले तो ना सुनाने वाला हिले। मैं जब घड़ी देखी यही टाइम सी, इटली की गल है, जब मैं देखिया भी मैं लगे 7 बजे तो 10 बज गए। मैं पहली बार आए लोग गाली ना पै जाने मेरे कितने, मैं क्या भी साध संगत जी माफी दे दो भी मैं देखा नहीं घड़ी वाल। वो पता की कहें क्यों, कोई नहीं बाबा जी घंटा एक होर ला लो। मैं वाह भी वाह, तो बड़ा आनंद आया भी एक घंटा होर टाइम मिल गया मेन। मैनू यह हों कि मैं आया एक दो दिन थोड़े को आया है तो इन्ने क दिन मैं थोनों जिन्ना सुना सकता सुना लिया, ताकि हौली हौली आने साल में तुम कोई प्रैक्टिकल कर सको तो तुम कह सको भी ठीक है गल। बाणी पढ़ने बहुत सारे तजर्बे सामने आ जाते हैं। तीसरे पातशाह का एक जगह वचन पढ़िया सी बाणी के अंदर ही, सतगुरु कहने जे सर्वव्यापक नूं देखना चाहते हो तो पहला अपने अंदर देखो फिर वह बाहर नजर आता। जे तुसीं पहला बाहर देखना चाहोगे फिर उन्हें दिखना नहीं, क्यों पहला अंदर देख। जदों भी वाहिगुरु कहना तो अपने अंदर जो साडा हिरदा कमल है इतने ध्यान कर लो और महसूस करो कि इतने बैठे ने यही जोत है, इस जोत विच वाहिगुरु कह के ध्यान दो। पहला तो कुछ भी नहीं होना, कई महीने तक चली जाओ चले फिर एकदम सतगुरु महाराज कृपा करनगे। जे अंदर प्रकाश दिखना शुरू हो जाए तो फिर दिव्य दृष्टि खुल के सारे किते सारे विचों पंक्ति सफली करोगे। सब मैं जोत जोत है इसका चानण, सब मैं चानण हो फिर तुम कहोगे वाकई भाई बाणी में बिल्कुल सत लिखिया। मक्खियां मच्छरां तक भी हरेक जानवर दरख्तों में भी आसमान के तारिया चंद्रमा सूरज में भी सब दे जोत ही जोत नजर आओ फिर थोनों असली समझ लगू कि वह की लिखिया कि गगन मै थाल रव चंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मो। फिर वह असली आरती अंदरली दिखूगी, ये बाहरलियां आरतियां अंदरली आरती सतगुरु दिखाएंगे। देखो शरीर विच अपने विच सारियां अलामतां ने, मन दे विच अलामतां ने सारियां, इन्हां नाल आपां लड़ नहीं सकते। कहिंदे जिहड़ा देश माड़ा होवे जां जिहड़ा घर की छत डिगण वाली होवे उहदे विचों बाहर ही निकल जाओ तां चंगा हुंदा। इस करके शरीर नूं इह मन नूं छड्ड के आत्मा च आ जाओ तां चंगे रहोगे, नहीं तुसीं सारी जिंदगी जित नहीं सकना। आत्मा च चलदे आं आपां, आत्मा की है सतगुरु कहते जेड़ा बंदा गुर कृपा जे नरको कीनी ते ए जुगत पछानी नानक लीन भयो गोबिंद सिंह जो पानी संग पानी। ए आत्मक अवस्था है, एदे विच जेड़ा बंदा चलिया जांदा आत्मक अवस्था विच ओनू कहते जो नर दुख मैं दुख नहीं मानना। आत्मक अवस्था वाला दुख दे आउण ते भी दुख की प्रतीति नहीं करता है। भाई मनी सिंह होनी, भाई बाबा तारू सिंह जी, भाई मतीदास जी, भाई दयाला जी, भाई सतीराम जी,
ਇਹ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਥਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਆਤਮਕ ਜੀਵ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਤਮਕ ਜੀਵ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ 100 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ 3.5 ਸਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਊ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਲਿਆਓ ਵੀ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲੀ ਹੈ ਉਹ ਬਲੀ ਹੈ। ਜਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਛੱਡਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਐਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਵੀਆਂ ਬੰਤੀਆਂ ਤਿਆਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕੇ ਛੱਡਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਹੈ, 5 ਕਿਲੋ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਦਾ ਲੋਥੜਾ ਹੀ ਸੀ, ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਲ ਹੈ ਨੀਗਾ, ਬਲ ਛੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੋਂ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਕ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਮੂਹਰੋਂ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਮਿਲ ਜੇ ਫਿਰ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਖੇੜਾ ਛਡਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਜੀਦੇ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜੰਗ ਆ ਵੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ, ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਇਓ ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕਾ ਜਾਣਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਅਸਲੀ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਟਾਕਰਾ। ਜਦ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾ ਤੇ, ਵਜੀਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜੂਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੋ ਗੋਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਤੀਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ।